Wow, me too, yeah. नगरिंग माला सबसे फेवरेट चटनी है तो यो ब्लैक सिसामी और ब्लैक क्रैप ना यो लो तो फर्मेंट कर लासे वार्निंग हेलो गाइस वेलकम बैक एकदम ऑथेंटिक नागा प्लेट दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिक नागा प्लेट मसाला ससला कुछ भी नहीं डाला नो ऑयल पोर्क विद अखोनिया एंड बाम्बू शूट और ये जो है रेंगमा नागा होने से भी ट्राइब बहुत है ना तो ये रेंगमा जो है मेरा ट्राइब है हम लोगों का ट्राइब है हम लोगों का फेवरेट ये जो है ब्लैक सिसामी सीड्स ये जो काला तिल बोलते हैं ना काला तिल और केकरे काला केकरे के साथ खुट के ना खुट के फर्मेंटेशन करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग वो गोते हम लोग का फेवरेट है चायोते ये जो है केरला है तो चलो शुरू करते हैं मिर्ची के साथ एकदम हेल्थी मिर्ची तो शुरू अखोनी का गुण आ रहा है अभी इसको कहते हैं एकदम ओरिजिनल नागा थाली चलो स्टार्ट वाह तेल देखो उसका चर्बी वाह नगा मन आउटसाइड तो थे हेल्थ जानी देखो दे गुण करा हो ना पोक तो आलू फर्मेंट आलू सुखाई से स्मोक कर बैलेंस को दूला डिटेल सामान बड़ा देखते कला होने से भी क्या है साफ ही तो है अंदर में ये तो बनने वाला प्रोसेस लगे बोले कमेंट करके बताओ इसका प्रोसेस चाहिए तो हम दिखा देंगे ए टू जेड
Asliste yo estoy daría. जो हड्डी चबाने का उसके भीतर में एक फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया होता है। उसको मिक्स करते हैं खाना के साथ। ये पट्टा है वो लास्ट में जो डाला था ना मैंने। वाह मीठा है ना। ऐसा सब्जी जो है ना घर बैठ के आराम से बनाया खा सकता है खुद, अगर आप दूसरा जगह में होने से भी। लेकिन फर्मेंटेड सोयाबीन होना चाहिए, अखवा नहीं बोलते हैं वो होना चाहिए। चाले रे बचपन से खा के हुआ है जी जिस जो है ना। ये चटनी जो है ना बचपन का बहुत याद आता है खाने से ना, क्योंकि ये चटनी जो केकड़े नहीं होने से बना नहीं पाएगा। आजकल केकड़े कम मिलता है इसलिए कम लोग जानता है अपना टाइप होने से इस चटनी को। आया छोटो मुखबंग करते समय दांत टूटने से हो गया। देखो ना वाह खेती काटने का समय आ रहा है, सूखा खेती जो है ना सीजन आ रहा है। बने रहेगा मेरे चैनल में, इंटरेस्टिंग होने लो वाला है, लो वाला है। थैंक्स स्लीप। अच्छा
ये नागा थाली जो है ना, हाँ पोक मीट है लेकिन इसमें तेल होता है, लेकिन हम लोग एक ड्रॉप भी तेल नहीं डालते हैं इसमें ना। सब्जी में भी राजा मर्चा, नागर किंग के लिए चाटनी में भी इसलिए बहुत तीखा है लेकिन मज़ा है। पहले बार भी बोला था ना मैंने, नो जाल नो भाल। ब्लैक सीसा मिसी सारो के करो तो आज आज का वीडियो जो है बातचीत बहुत हो रहा है लेकिन मजबूर है क्योंकि एक्सप्लेन करना तो चाहिए ना। और क्या चाहिए, बता दीजा जीरो। चाय तो बहुत ही स्वीट है। अरे छोड़ने का मन नहीं है। बस एकदम ओरिजिनल नागा थाली कंप्लीट, मुझे बहुत खुश हुआ। तो हम लोग हर टाइप खाते हैं नागालैंड का ना, तो बहुत ही मजा है अपन जो है और पोक के साथ स्पेशली। तो हो गया आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बताना ये जो है ना ब्लैक क्रेप ब्लैक सीसामी सीस का रेसिपी चाहिए कि नहीं। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।